और जो कुएं पे भरे उन्हें घर की चिंता लगी रहा। क्या गांव गांव की कहानी है? हंस रही लेकिन बात सही यही है कि नहीं? नहीं है कि नहीं? गांव गांव की कहानी। वजन हालात इधर थे कि हम गौशाला खुलवा दें, गौशाला खुलवा दें, गौ माता की पूजा के लाने बहुत परेशान रहते। लेकिन गौ माता भूखी फिरत नहीं को खबर लेवे वालो नहीं है। तो हमारा ने गौ माता के नाव पे बूट नहीं मांगे, भाषण नहीं जाए, लेकिन फिक्र हमें है गौ माता की, फिक्र हमें है किसान भैयान की, और फिक्र है हमें अपनी बताई बहनर की। तेईस हजार गौशाला टीकमगढ़ जिले की पहली गौशाला को शुभारंभ आज भगवंतपुरा गांव में। अकेला भगवंतपुरा गांव में नहीं हो रहा हूं, आप सब लोगों को जानकारी हो चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और पूरे मध्य प्रदेश की कैबिनेट सब लोगों ने हमने बैठ कर तय किया कि एक दो दस पांच से काम चलने वाला नहीं है। पहली शुरुआत जो हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में 1000 गौशाला खोलने से मध्य प्रदेश की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद और भी गौशालाएं हमें खोलना, उद्योग जगत के जो हमारे लोग हैं उनके साथ मिलकर अत्याधुनिक तरीके की गौशालाएं हम खोलना चाहते हैं। जो गांव गांव में हमारी गौ माताएं घूम रही हैं, दूध देती हैं आधा लीटर एक लीटर, तो इनकी तो हम सेवा करते रहे, लेकिन ऐसी नस्ल भी हमें चाहिए कि टीकमगढ़ जिला जो कुपोषण के मामले में सबसे आगे है, बच्चों की ध्यान रखने के मामले में हम सबसे पीछे हैं पोषण आहार के मामले में, तो अच्छी नस्ल की जब गाय भैंस हमारे पास होगी तो दूध की बहुतायत हमारे पास होगी, और जब दूध गांव गांव में होगा तो हमारे बच्चे भी मजबूत होंगे और बच्चों के पापा और पापा भी मजबूत होंगे, क्योंकि पैसा भी आएगा और शरीर भी बनेगा। तो आधुनिक गौशालाएं अच्छी नस्ल के साथ भी हम लोग खोलने जा रहे हैं। 6 महीना कांग्रेस की सरकार को बने हुआ, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं, भैया जरा 2 मिनट साथ रहिए, तो मोरन को भी घी मिले, चिंता नहीं करो। जो सरकार हमें सौंपी गई तो विरासत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 15 सालों में मध्य प्रदेश की ऐसी दुर्दशा करने का काम किया कि 2 लाख करोड़ का कर्जा, कि देखो 2 लाख करोड़, कि देखो 2 लाख करोड़, कि देखो 2 लाख करोड़, पता नहीं है भाई, 1 करोड़ नहीं 2 लाख करोड़, देख बेटा 2 लाख करोड़ को कर्जा कांग्रेस की सरकार पे भाजपा वाले छोड़ गए। तो 2 लाख करोड़ को इंतजाम हमें वो करने, और एक बाद भगवंतपुरा से खेरा की सड़क भी बनवाओ, और भी जो काम रुके हैं वे भी पूरे कर दे। जो कार्रवाई, जो विधवा पेंशन हमारी बताई बहनों को मिलत, कितनी मिलती 300, निराश्रित पेंशन कितनी मिलती 300, बड़े बूढ़ों को वृद्धा पेंशन कितनी मिलती 300, भाजपा के राज में 150 रुपया और 300 रुपया अब कितनी मिल रही मिलत का बताओ, मिलत आपके देख मिल रही 600,
तो 300 के सूदे दोनों कर रहे हमने, 2 लाख करोड़ को कर्जा, उसके बाद भी 300 से हमने 600 कर दे, हो गया दुबई सब जन की राय हो तो 600 पे भी कम खावे वाले नहीं है। और बढ़वा दे में बताओ हाथ खड़े कह दो तो तनक कम खाओ, तनक आमदनी बनत जान दो, 300 से करे 600 और 600 से अनाई करने 1000 मालिक हो, दर्द को हम समझ सकें। जब तक बताई बाप के हाथ पांव चल रहे हैं बुरे न मानने सो हम सब ने बाई दत्ता कर रहे हैं, और जो दिना बताई बाप के हाथ पांव चल वो बंद हो जा तो सब जने तो नहीं, लेकिन हमारे तुम्हारी में से कछु जने ऐसे जरूर हैं। सुबह कहते कहता तारण बदो तुम एक पैर पे हो जाओ, दादा जो है आराम से भूखे रात भर पड़े और हम अपने घर भाई के संगे बैठ के भोजन करते, कल भी सच्चाई। और अगर कौन एक घर की बात है क्या बुढ़ापे में जो होते ज्यादा, इसे जब बात हमने सुनाई कि आज हमारे पिताजी बूढ़े हैं, हमारे पापा बूढ़े हैं, लेकिन कल हमें भी बूढ़ो होने जा, हमें ध्यान रखने चाहिए। तुम हंस रहे बहुत, तुम्हें भी सास बनने ध्यान रखियो, अपनी सास की सेवा करो तो तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा करे। अगर हम अपने पिताजी की सेवा करें तो हमारे मोड़ी मोड़ा हमारी सेवा करें, और अगर हम अपने पिताजी को बाबा को ढक्का दें तो जा भी मान लो यदि नाती राजा काल तुम्हें भी ढक्का दे, तो जिगे जिगे ढक्का ना खाने हुए वे अपने बुजुर्ग की सेवा करो। सामने पेड़े लगे कैसे अच्छे लग रहे, लग रहे नहीं लग रहे, इन्हें लगाए भगवान ने नहीं लगाए, भगवान ने तो प्रकृति बनाई, लेकिन लगावे वाले हमारे तुम्हारे दादा ही बाबा और बाबा के बाबा होंगे कि आज हम सब से पीढ़ी के नीचे बैठे, और जब पीढ़ी के नीचे बढ़ गया काम कड़क तो पीढ़ी के नीचे बैठ के अपन भी आशीष दे के भगवान भलो करे उनको जिनने जी पीढ़ी लगाए। अब जामुन टपक रहे हैं आजकल, हमने टपक करके टपके टपके तब शायद बंद हो चली टपक रही है अभी बंद हो चली, लेकिन जामुन तो टपक रहे, जामुन के पेड़ के नीचे ठाड़े हो, जब जामुन टपके तो हम यहाँ टपकर तो अपन करके वाह मजा आ गया, लेकिन मजा काहे आओ जब हमारे बड़े बूढ़ा ने जो पेड़ लगाए उनको मजा हम ले रहे, और अगर हम भलो चाहो कि हमारे मोड़ी मोड़ा भी मजा ले में तो उनके लाने का करने आए पेड़ लगाने आए, बताओ बेटा का करने आए पेड़ लगाने आए। तो ईमानदारी से आज हाल उठा के बताओ कि 5-5 पेड़ एक को लगाए पुण्य कमाओ में हो तो हाथ उठावे में 5-5 पेड़ एक को लगाए, और पुण्य कमाओ में कमाने तो उठाओ दो तो हाथ पर ऐसे क्या सर मारे, हाँ क्या क्या पेड़ लगाओ ने क्या क्या पेड़ लगाओ ने बताओ भैया, ये पछाई जितने से बैठे इनने नहीं उठाए हाथ बढ़ाओ ने कि नहीं, तो सोचो कि रामनगर के लोग कम से कम 800,000 जने रह रहे हैं, और अगर 5-5 पेड़े लगाए तो 5,000 पेड़े तो लगे रामनगर में, और खेरावान को पता नहीं क्या क्या लगाने के काम है लगाओ, तो अगर खेरा वाले भी ना इसे लगाए तो सोच लो कम से कम 8,000 पेड़ खेरा था इसे लगे तो जो पूरा खूबसूरत इलाका हो जाए, खेती भी हमारी हुई है, और जब उबड़ खावड़ जो जमीन डरी वो पास कितना तो जाए जो लगाओ ने सो लगाओ
देखे कृपा करो के लगे लगाए काटो ना बचे रंग कई में क्या भाव जा तो गौशाला तो शिलान्यास हो रहा सो हो रहा हो लेकिन आज को जो प्रण याद रखियो क्या हमें सब जनक को पीड़े लगाओ। सरकार कांग्रेस की बन गई, हमने कही थी कि हम कर्जा माफ करें और कर्जा माफ को केम मोहनगढ़ में हमने लगाओ तो जतारा में हमने लगाओ तो विधोरा में हमने लगाओ तो निवाड़ी ओरछा पृथ्वीपुर में हमने लगाओ तो पलेरा खरगापुर बल्देवगढ़ और बड़े गांव टीकमगढ़ में भी हमने कैंप लगाओ तो। लेकिन हमें तो मालूम कि आज भी बहुत से लोग हमारे किसान भैया ऐसे हैं जिनको कर्जा माफ हमें नहीं हो पाओ तो जो महीना करण दो अगस्त के महीना में फिर से कैंप लगावे वाले हमारे हैं, कर्जा माफ भी करेंगे और गेहूं का जो बोनस रह गया जो किसानों को मिला नहीं अगस्त 1 अगस्त से गेहूं का बोनस बांटने का भी हम काम करेंगे। केवल कैंप लगा के नहीं बांटेंगे, हमारे जिले के चाहे कलेक्टर हो चाहे एसडीएम हो चाहे तहसीलदार मैडम गांव गांव में जाके हम लोग कैंप लगाएंगे आपके बीच में आपकी सरकार आपके द्वार। कांग्रेस का नारा है आपकी सरकार आपके द्वार, आप सरकार के दरवाजे पे नहीं सरकार आपके दरवाजे पे खबर लेने के लिए आएगी कि बोलो कर्जा के पैसा फट गए कि नहीं। अबे टीकमगढ़ हो दिवाली हो छतरपुर हो सागर बाइक गौर से सुनियो जोर गांव में चले जाओ अगर 50 बकरी हैं तो 5 दीवार खुले और 45 में तारे डरे कितने गए गर्मियों में पानी नहीं मिल रहा तो पीवे सो दिल्ली चले गए, काम नहीं मिल रहा तो उसको हरियाणा चले गए। ये गरीब आदमी की परेशानी। मनरेगा योजना कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, मजदूर गारंटी रोजगार योजना, शिक्षा मिशन कांग्रेस लेके आई थी, स्वास्थ्य मिशन कांग्रेस लेके आई थी और अब हम पानी पीने के लिए जल अधिकार कानून आपके लिए लेके आ रही है कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, आपकी सरकार। कोई भी आदमी हो चाहे शहर का रहने वाला हो चाहे गांव का रहने वाला हो चाहे टीकमगढ़ का हो चाहे निवाड़ी का हो चाहे टांगा का हो चाहे भगतपुरा का हो रामनगर का हो और चाहे अध्यक्ष जी को गांव हो हर आदमी को अधिकार है पानी पीने का और कम से कम 60 से 70 लीटर पानी सरकार की जवाबदारी रहेगी कि आपको साफ सुथरा पानी पिलाने का काम सरकार प्रबंध करेगी और अगर कोई कमी रह जाएगी तो आपको कानूनी अधिकार होगा कि आप अदालत में खड़े होकर मुकदमा चला सकती हो कि हमें पानी नहीं मिला, ये कानून बनाना चाह रहे हमारी सरकार कानून बना के आपका संरक्षण संरक्षण करना चाहती है। ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है। हम जो पैसा मिलता है आपको आवास का उस पैसे को हम बढ़ाना चाहते हैं। भगतपुरा जो गांव वहां पर आपकी जानकारी में अभी हाल हमसे कहा कि हमारे गांव की सड़क नहीं बनी, 28 लाख रुपया आपके गांव की सड़क के लिए मंजूर हो गया। लेकिन हमें जो भी पता है कि एक बार हम पहला भी मंजूर कर चुके थे सरकार के अफसर जब सड़क बनवावे जा तो आप ही लोग लट लेके ठाणे हो जाते हमारे चूहा पे होना कर दे जा चाहे वो काम हम आप ही से न पूछ रहे कि आप सड़क भी चाहने और लट भी ताने कि हमारी गली में हो करना जाए लेकिन सड़क बन जाए तो सड़क कैसे बने। आज पहला सर्जन तय कर लो कि पैसा मंजूर हम कर रहे हैं लेकिन जागा तो सड़क बनवे देने पर, अगर जगह ना दे
तो दो चार मिनट तो जी अफसर थे, फिर लौट के भागे आए और फिर वह सड़क का धुम मंजूर हो ना पाए। इसलिए आप सब जनन से हम कह रहे हैं कि हम उन्हें तो समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या हो बताई मैंने, सबसे ज्यादा परेशानी हो दिन हल्की हल्की मोड़िए को जब स्कूल पढ़वे जाने। तो रानी लक्ष्मीबाई एक अकेली हती और रानी लक्ष्मीबाई मुदेर खटे में फौज बना के अंग्रेजन को खजे के बारे कह दो तो जब इतनी रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में थे बैठी हो तो आप खानी हो जाओ लट लेके सड़क को हवाई डाल के माने तो खूब रोक दे। तो डरवा लो कि नहीं सीरो साहब कहां गए पैसा नहीं। अरे इसके नहीं कह रहे गांव के कोमरा अरे मंजूर है आप हिस्सा के हमें पता है 28 लाख रुपया का शू मंजूर है। अरे पुल रह जाए तो पुल भी बच जाए, जो रह गई जो सड़क रह गई वहां सड़क भी बनने और ये मोड़ी मोड़ा खासतौर से बच्चियां स्कूल में पढ़ने जाए अच्छी तरीके से पढ़ाओ। और आपकी अकेली चिंता नहीं, चिंता कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी की सरकार भी कर रही है। आप बिटिया को ब्याह योजना हुई है ब्लॉक में दरखास्त हो 51,000 रुपया बच्चे के खाते में कांग्रेस की सरकार बच्चे के खाते में जमा करेगी। आज व्यवस्था हम लोगों ने क्या दी, चिंता ही नहीं करो 51,000 रुपया कोनो भी बोड़ी को ब्याह हो जाए लेकिन सूचना देने पड़े खड़े हो बस क्यों ब्याह करो तो नहीं बात बने, लोग को जानकारी दो उनके बाद फिर ब्याह में शामिल हो। बच्ची की शादी में 51,000 रुपया कांग्रेस पार्टी की सरकार जमा करे, एक नहीं अकेली रामनगर पंचायत में कांग्रेस सरपंच साहब 90 लाख के काम मंजूर है, एक नहीं लेकिन बढ़िया कराज दो कि हमें अगर विधायक दोबारा बन दे तो हमें सेवा करने पड़े और अगर आपको दोबारा सरपंच बन दे तो बढ़िया काम कराने पड़े लेकिन जनता ना हमें बस लेना तो बने अरे नहीं बनने तो भी अच्छा कराओ अरे तो भी अच्छे काम कराओ भाई। अबे आप क्या जा बता रहा अबे एक बाइक खड़ी हो गई कि हमारे खड़े करने विकलांग है को सुन नहीं रहो और हम जा कह रहे कि अकेले तुम्हारे खड़े का आए एसडीएम साहब बिजली हो अपने जो पंचायत विभाग है कल पस्तौर जी से हमारी बात हुई थी मोहनगढ़ में अलग और दिगौड़ा में अलग दतारा में तो अलग काम करी हुआ आज बात हो रही प्रतिपुर विधानसभा का मोहनगढ़ में अलग दिगौड़ा में अलग प्रतिपुर में है तो प्रतिपुर में हम बात करें लेकिन ये दो कैंप दोनों जगह पे दो कैंप लगाए जाना है जिसमें जितने भी हमारे ऐसे हैं जिन्हें साइकिल की आवश्यकता है जितने भी लोग ऐसे हैं जो ऊंचा सुनने लगे उन्हें मशीन की आवश्यकता है जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी निराश्रित नहीं बन पाई या और जो समस्या है वो कैंप जो है दोनों जगह आप लोग तारीख 25 तारीख के बाद तय कर लो हम भी उसमें आ जाएंगे कुछ समय के लिए। वो कैंप आपका वहीं के वहीं हम लगवाएंगे ताकि आपको टीका घर के चक्कर नहीं काटना पड़े। बातें बहुत हैं
योजनाएं भी बहुत, किसान भैया बहुत से बैठे, आपने अभी चार दिन पहला रेडियो पे सुनी हुई है या टीवी पे देखो हुई है या अखबार में पढ़ो हुई है, वो कछु में नहीं सुनी हुई है तो एफएम रेडियो में तो गारंटी सुने हुई है कि आप जवानों को नहीं देखो खबरें नहीं मिलती दो दो महीना तक का हो रहा हो आपको, अगर चिड़िया भी चरावे जा रहे तो मोबाइल पे हो बातें हो रही तब देखिए बगले के कड़ गए तो बात हो रही और जैसे टाइम मिलो तो एफएम लगाओ और हमें पता हो चाहे ना पता हो लेकिन गांव में जो है चिड़िया चला रहे कैसे चला रहे लेकिन एफएम पे समाचार सुन रहे उन्हें पता हो कि मध्य प्रदेश में कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही सब मालूम है सब समाचार आप लोगों को मिल जाएगा तो सरकार इन योजनाओं पर काम कर रही है अगर जो बजट पास हो तो केंद्र सरकार को बजट आओ 5 तारीख को और टैक्स लगा रहे जनता के ऊपर पूरे देश भर में टैक्स लग गए और अपने राज्य को बजट आओ उसके बाद अब 4 दिन पहला आपने देखो हुई सुनो हुई पढ़ो हुई 1 रुपया भी टैक्स हमने जनता के ऊपर नहीं लगा बिना टैक्स लगाए किसान के लाने 3 गुना बजट कर दो नौजवान के लाने बजट पढ़ा दो बताई बहन के लाने बजट पढ़ा दो आम जनता के लाने बजट पढ़ा दो टैक्स नहीं लगाओ 1 रुपया हम जो विभाग के मंत्री अच्छी तरह से सुनियो गांव में हाजरा के ज्यादा कलेक्टर गाइडलाइन को असर नहीं हो लेकिन शहरन में ज्यादा हो अपन ने जांगा लाई 100 रुपया की लेकिन कानून जा है 150 रुपया की नहीं रजिस्ट्री नहीं हो सका जा हो कलेक्टर गाइडलाइन तो हमने हुए 20% घटा दो गांव में जितने आपस में भैया बंद रखा उन्होंने लिखा पड़ी नहीं होती भंजन भंजन के बंटवारे मौके कह देती के जाओ 4 बेटा है तो तुम्हें जोदा हो तुम्हें जोदा हो तुम्हें जोदा हो जितना तक दत्ता जनता है उतना तक तो सब कुछ ठीक ठाक और जो दिना बताई बाप स्वर्गवासी हो गए तो उतना भंजन भंजन में लठ चलत और अदालत में जाओ या एसडीएम साहब पे जाओ तो बेटा लिखा पड़ी में तो तुमने कछु है ही नहीं लिखा पड़ी काय नहीं हो काय के 5% टैक्स लगत तो लिखा पड़ी के बंटवारे खिला हमने वे निगम को खत्म कर दो हमारे विभाग में और हमने जो निगम बना दो 5% देने की जरूरत नहीं है केवल 1000 रुपया के स्टाम्प पर लिखा पड़ी करा दो और 100 रुपया फीस जमा करो 1100 रुपया में आपकी रजिस्टर्ड लिखा पड़ी हो जाए जिंदगी भर के लिए अगर गांव के हम मुखिया है गांव के हम व्यक्ति और हम चाहो कि हम अपनी घरवारी के नाम से मालकाना हक दे दे हम अपनी पुत्री के नाम से जायदाद का मालकाना हक दे दे तो 2.5% टैक्स लगता था और 2.5% का मतलब बहुत ज्यादा होता है अगर 1 करोड़ रुपया की आपकी संपत्ति है और आप बंटवारा करना चाहते हो तो 2.5 लाख रुपया टैक्स लगता था हमने उस कानून को बदल दिया और हमने कहा कि आप अपनी पत्नी के नाम से पुत्री के नाम से मालकाना हक देना चाहते हो केवल 500 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आप लिखापड़ी कराओ 100 रुपए जमा करो 600 रुपए में रजिस्टर्ड बट आप जो है मालकाना हक दे दो अपनी पत्नी और पुत्री के नाम से अब लिखापड़ी में जब बात आएगी तो बाद में दिक्कत नहीं होगी उम्र हमारे भैया लोग खुद बहुत से आ 4 भैया है और 2 बहने हैं अब कानून जो बन गया कि बहनों को भी हक को दे गई को है तो हम अपनी बहन को बूट ले बहन तुम आओ तो ब्याह होगा उस पर लिखे जाओ कि हमें तुम्हें दाओ और बहने बड़ी भावुक होती महिलाएं होती है भावुक है तो फिर सोचती है भज्जा हमें करना हो जाए देती है लो भज्जा ले लेकिन एस डी ओ साहब न जाओ तहसीलदार साहब न जाओ सोचे करके नहीं नहीं हम नहीं माने हमारे कानून में तो जो लिखोगे नहीं बहन के नाव बैठने ही बैठने हैं लिखा पढ़ी मैं करूं नहीं तुम्हारी जब बात हम नहीं माने तो 3 सीट के 11 चक्कर अपन सब जने काट रहे अब हमने जो नियम बना दो कि चक्कर आप काटने की जरूरत नहीं है 500 रुपया में रजिस्टर्ड लिखा पड़ी करा लो तो तहसीलदार साहब भी मान के और एस डी ओ साहब भी मान के चक्कर काटने के लाने तो आराम होगा
लेकिन भज्जा हरो बहनों की भी चिंता करते हो नहीं पैसे की खा खा के बिता रहे खड़ी रुक नहीं रही। साहब ने जाने को सवा चार बज गए। ईमानदारी से मत जो ही लग रहा हूँ कहते ही बैठे रहे बढ़िया ठंडी हवा आ रही और घर परिवार में बैठे सुबह के सोते रहे लेकिन मजबूरी कायदे अनाए के प्रोग्राम भी तो होते भी जाने सो अपनी बात को हम समाप्त कर रहे और समाप्त करने के पहला दो बातें जरूर कह रहे कि अगले मेल जब आए तो गौण बाबा के दर्शन भी होंगे और दर्शन होने के बाद इतना बढ़िया जब धार्मिक स्थान से है और सड़क पे पतो ही नहीं पड़ा के भीतर गौण बाबा को स्थान है। एसडीएम साहब तहसीलदार साहब आपको भी पता ना होगा भगवंतपुरा वो गांव है कि अच्छे अच्छे भी बार इस गांव में अंदर एक स्थान है वहां पे आते हैं वहां पे दर्शन करने से ठीक हो जाते हैं। क्या वजह सही है कि नहीं सही है कि नहीं लेकिन लोगों को पता ही नहीं पड़ा कि भगवंतपुरा है कि नहीं तो इसलिए गांव में जैसे से भगवंतपुरा की रोड हमने डरवाई थी डामर की डरवाई थी तो उतना ही बढ़िया स्वागत द्वार बनवाए गए जितने लिखो रहे कि ग्राम भगवंतपुरा बप्पा का स्थान 1 किलोमीटर सबकी राय है जब तारी बजा सो तो नहीं है जो ना बनवा चाहो तो तारी बजा रहे के नहीं बनवाओ बनवा दो जो बनवाना चाहो मैं तारी बजा बनवाओ ने है कि नहीं बनवाओ बनवाओ ने है बनवाओ के खिलाने तारी बजा तो चलो बने बजाओ तारी जो बने बकाया अगली बातें अगली बिल हुई जब आपकी सरकार आपके द्वार पे आए ठीक है तो सब जन को हमारी तरफ से राम राम ऐसे हंसी मजाक में विराज वापन किया सब लोग आपको अगर चाहो कोई लगी हो तो क्षमा कर दी लेकिन एक बात कह के हम अपनी बात